और नेक्सन स्टार की टीम पहले फील्डिंग कर रही है। देखना है कि अपने 6 निर्धारित ओवरों में हैरियर वॉरियर्स की टीम कितने रन्स बनाती है। हैरियर की टीम ने अपने दोनों मैच जीते हैं। पहले मैच में हैरियर वॉरियर्स ने अपने दो मैच जीते हैं। पहले मैच में टीएगो को 10 रन से हारा था, उसके बाद एल्ट्रोस को उन्होंने 9 विकेट से हारा था। इससे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुचिता पहली गेंद लेकर पूर्वी को पहली गेंद को मिड ऑन पर खेला है, हवा में कैच हो सकता था लेकिन नहीं ले पाई है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन की मदद से हैरियर वॉरियर्स का स्कोर शुरू होता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को हवा में खेला था जरूर लेकिन मिड ऑन पर जो फील्डर थी वो गेंद के नीचे बराबर नहीं आ पाई और ना ही कैच को ले पाई। सुचिता अगली गेंद लेकर पूर्वी के लिए, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इस बार विकेट कीपर ने भी छोड़ दिया है और देखना है कि क्या विकेट कीपर ने अब जाके गेंद को रोका है। 2 रनों की मदद से स्कोर, एक वाइड बॉल था और 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा हुआ 6 रन पर। और अब पहली बार स्ट्राइक पर आ गई है दूसरी जो बैटर है, ओपनर बैटर। अच्छा स्ट्रोक, एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अनुष्का माने पहली गेंद पे चौका लगाया है। पिछले बार भी जब उनको 2 गेंदे खेलने को मौका मिला था, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगाए थे अनुष्का माने ने। टेन रन, कोई विकेट नहीं। मंकड़ नहीं है। लेग स्टंप के बाहर और एक वाइड बॉल। हवा में गेंद लेकिन वहां फील्डर पीछे है और जब तक गेंद को अब जाकर लेते 2 रन लेने का मौका मिला है 2 रनों की मदद से। स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन पर और एक वाइड बॉल, 14-14 हैरियर वॉरियर्स। टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का फैसला। हवा में मिड ऑन पर कैच हो सकता है लेकिन छोड़ दिया है। दोनों के बीच में नो मैन्स लैंड में 1 रन अनुष्का के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 15-15 नाउ। पहला ही ओवर चल रहा है, अच्छी शुरुआत की है। दोनों बैटर्स ने एक एक चौका लगाया है अभी तक। पीछे हटकर गेंद को वापस बॉलर की तरफ खेलना चाहते थे, उनके हाथ से लगकर गेंद थोड़ी सी रिकोशेट हुई मिड ऑन की तरफ। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को लिया है, 15-9। डॉट बॉल और ओवर समाप्त हो गए हैं। पहले ओवर के बाद हैरियर वॉरियर्स ने 15 रन बना लिए हैं। 4 रन पर नॉट आउट है पूर्वी शाह, 7 रन पर नॉट आउट है अनुष्का माने। छह ओवर का मैच है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर से हवा में उछाला है लेकिन नहीं, दोनों का हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं। 1 रन, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 16 पर। स्ट्राइक पर आ गई है अब पूर्वी। ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते थे गेंद। दूसरा ओवर चल रहा है, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। श्रुति भोसले ऑफ स्टंप के बाहर से इस बार गेंद को
कवर में खेला है पूर्वी ने एक रन के लिए, एक रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ अब 17/17। अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट पर, लेकिन सीधे वहां फील्डर के पास और नहीं पहुंच गए थे अपने क्रीज में एक रन पूरा करते हुए। अच्छा स्ट्रोक खेला था लेकिन एक बाउंस के साथ वहां मिड विकेट पर फील्डर जो थी उन्होंने गेंद को रोक लिया था। ऑफ स्टंप के बाहर से सामने की तरफ खेल दिया है चार रन के लिए, कोई मौका नहीं, कोई पीछे प्रोटेक्शन नहीं है। ट्वेंटी टू फॉर नो विकेट, दूसरा चौका था पूर्वी शाह का। इस बार ऑन साइड में मिड ऑन पर मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, ओवर समाप्त हो गया है। दो ओवर के बाद 26 रन, 26 फॉर नो विकेट। बॉलर्स नेम प्लीज। दो ओवर के बाद हेरियर वॉरियर्स ने 26 रन बना लिए हैं, 26। बॉलर्स नेम प्लीज, आकांक्षा, ओके नोटेड। ओ और एक बाउंड्री जा रही है, इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया था। वन मोर बाउंड्री टू अनुष्का, 30 रन बिना किसी विकेट के, अच्छी जोरदार शुरुआत की है। अगली गेंद लेग स्टंप पर, गेंद खेलना चाहते थे डॉट बॉल, आकांक्षा ऑफ स्टंप के बाहर से फिर से बॉलर की तरफ खेल दिया था, अपने फॉलो थ्रू में रोकना चाहती थी, रोक लिया लेकिन उनके हाथ से लगकर गेंद फिर से मिड ऑन की तरफ गई, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत की है, केवल 15 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। इस बार ऑन साइड में मिड विकेट पर एक रन अनुष्का के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से सामने की तरफ उछाल कर खेला है और एक बाउंड्री जा रही है पूर्वी के लिए। पैंतीस रन 35। इस बार गेंद को ऑन साइड में मिड ऑन पर सीधे फील्डर के पास, और मिस फील्डिंग और एक बाउंड्री।
तीन ओवर के बाद 13 रन के औसत से 39 रन बना लिए हैं हैरियर वॉरियर्स ने। बॉलर्स नेम प्लीज। पूर्वी शाह नॉट आउट है, 21 रन पर 9 गेंदों में 5 चौके लगाए हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। सुचिता। ओके, ऑफ स्टंप के बाहर और पीछे हटकर खेलने की कोशिश अनुष्का के, अपने बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाई। अगली गेम अनुष्का के लिए, फिर से और एक डॉट बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर। 39 for 9 विकेट, चौथा ओवर प्रगति पर, और एक डॉट बॉल, फिर से लगातार ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास। गेंद के लाइन में नहीं, अपने शरीर से दूर खेलना चाहती है इस बार ये। थर्टी नाइन अगली गेंद। सुचिता इस बार हवा में उछाल कर खेल दिया है, बॉलर्स बैक ड्राइव, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोक रही है। 1 रन, 1 रन की मदद से हैरियर वॉरियर्स का स्कोर अब पहुंचा है 40 रनों पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, वापस बॉलर की तरफ, ओवर समाप्त हो गया है। 4 ओवर के बाद 40 रन, 10 रनों के औसत से रन्स बनाया है। पानी चाहिए। ओके, पड़त जा, पड़त जा। ओके, हेलो, पुढच्या दोन संघांनी रेडी राहायचंय। टियागो वर्सेस सपारी, 2 ओव्हर नंतर टॉस होणार आहे। टियागो आणि सपारीचे दोन्ही कॅप्टन रेडी राहायचंय। टियागो सपारी, चार षटकानंतर बिनबाद 40 धावा केलेल्या 10 धावांच्या सरासरीने हॅरियर वॉरियर्सनी नाणेफेक जिंकलेली। आधी फलंदाजी करायचा निर्णय, चांगली सुरुवात केलेली, जोरदार सुरुवात। बॉलर्स नेम प्लीज। श्रुति ने गेंद को खेला है इस बार मिड ऑन पर, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोक रही है। 1 रन, 41, 41। अगली गेंद, क्रॉस बैट से गेंद को खेला है, लेकिन मिड ऑन के फील्डर के पैर से लगती हुई गेंद। 1 रन पूर्वी के लिए, 42, 42। ओहो, यस, बाउंड्री 46। इस बार क्रॉस बैट से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे अनुष्का, लेकिन अपने बैट पर कनेक्ट नहीं कर पाए। 20 रन पर अनुष्का, पूर्वी नॉट आउट है 22 रनों पर। 46 for 9 विकेट। अच्छा स्ट्रोक, हाथ में खेल दिया था, लेकिन वहां के जो फील्डर है कैच लपक नहीं पाए। 1 रन और, 47। ऑन साइड में 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 48 रनों पर। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आफ्टर 5 ओवर्स, 48 for 9 विकेट हैरियर वॉरियर्स का स्कोर। उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना सफारी वॉरियर्स आणि टिएगो फाइटर्स यांच्या या संघादरम्यान होणार आहे।
जाओ दे टाकू दे बोलताय टाकू दे बोलताय कोण टाकतंय ते सांग मला आता तिसरं बघा ना कोण होती ते लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का सिग्नल और इस एक रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 49 पर। आखिरी ओवर शुरू हो रहा है हेरियर वॉरियर्स की बैटिंग में। आकांक्षा ने पहले ओवर में 13 रन दिए थे, ये उनका दूसरा ओवर है, पहली गेंद उनके लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल के रूप में। आकांक्षा और एक वाइड बॉल और इसी के साथ हेरियर वॉरियर्स के 50 रन पूरे हो गए हैं 50। 5 ओवर समाप्त हो गए हैं और छठे ओवर की दोनों पहली गेंदे वाइड बॉल के रूप में, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से एक रन 51। पूर्वी पहुंची है इस एक रन की मदद से 24 रनों पर, 13 गेंदों में 5 चौके लगाए हैं। अनुष्का नॉटआउट है 21 रनों पर। लेग स्टंप के बाहर और एक वाइड, 3 वाइड बॉल हो गए हैं इस ओवर में 52। देखा कि लेग स्टंप के बाहर आ रही है, लेट इट गो थ्रू टू विकेट कीपर और वाइड बॉल तो होना ही था और इस बार ये स्टंप के ऊपर से 52। 21 रनों पर नॉट आउट है अनुष्का, 19 गेंदों का सामना किया है। दोनों बैटर के बीच कुछ बातचीत, वापस अपने अपने स्थान पर 52। ओहो, इस बार ये पैर से लगकर गई गेंद ऑफ साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोकती, एक रन लेग बाई के रूप में 53। चौवन रन, फिर से और एक चौथा वाइट बॉल है, फोर्थ वाइट बॉल ऑफ दिस ओवर 55। अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं पा रही है। इस बार गेंद को ड्राइव किया है ऑन साइड में मिड विकेट पर, जब तक वहां फील्डर गेंद को रोक रही है, एक रन, एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा है अब 56 रनों पर 56 नाउ 56। मिड ऑन पर कोई रन नहीं। पारी समाप्त हो गई है, 6 ओवर के बाद 56 रन बना लिए हैं हेरियर वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। मैच जीतने के लिए 57 रन चाहिए। We are going for the toss of the second semi-final now. Tiago and Safari. Both
नहीं लाइव चालू है फक्त ऑडियो नहीं है। Wait, 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 wait
दोन ओवर पंधरा
इसी तरह से 12 ओवर 24 रन। Come on, come on.
हॅलो, चार चेंडू आणि चार धावा राहिल्यात सामना जिंकण्यासाठी. 53 बिनबाद 53 धावा. लागोपाठ दोन चौकार गेलेले आहेत आणि हा ओहो चेंडूला आतमध्ये ढकललेलं आहे आणि आता दोन चेंडू तीन चेंडू आणि दोन धावा राहिलेले आहेत. 55 सहाव्या षटकातल्या पहिल्या दोन चेंडूवर दोन चौकार गेले होते त्याच्यामुळं खूपच सोपं काम झालेलं आहे. तीन चेंडू आणि दोन धावा आणि यावेळेस हा चेंडू मिडविकेटच्या बाजूनी एक धाव घेतलेली आहे आणि जात आहेत दुसऱ्या धावेसाठी आणि नेक्सन स्टार्सनी हा सामना जिंकलेला आहे. दॅट्स इट. नेक्सननी अंतिम सामन्यात प्रवेश केलेला आहे, फायनलमध्ये नेक्सनचा संघ.